ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने ये लिखा है कि विटामिन D3 लेवल्स मैं आप सब लोगों को ये स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि विटामिन डी दो तरह का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। आम तौर पे विटामिन D2 का लेवल ही मेजर किया जाता है क्योंकि विटामिन D2 यानी कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D, ये लेवल मेजर करना आसान होता है। और ये जो विटामिन D2 है इसकी हाफ लाइफ 15 दिन के करीब होती है और ये जो है बताता है कि हमारी बॉडी में विटामिन D का लेवल कितना है। विटामिन D3 को मेजर करना 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D यानी कि विटामिन D3 जिसको कॉली कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, वो मेजर करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसकी हाफ लाइफ जो है कुल 15 घंटे होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के सभी फंक्शंस को नहीं बताता है। और ये जब ही कम होता है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो चुकी होती है। अतः सब लोगों को विटामिन D2 एडवाइस करना चाहिए और वो एडवाइस चाहे इसमें भले ही D3 किया गया है क्योंकि कोई भी लेबॉरेटरी D3 टेस्ट नहीं करती है आमतौर पर, इसलिए D3 लिखने के बाद भी विटामिन D2 के लेवल्स ही किए जाते हैं। और ये जो हमने 30 और 10 नैनोग्राम पर लीटर की आपको वैल्यू बताई, ये जो वैल्यू है ये विटामिन D2 के बारे में है। अब हम बात करते हैं विटामिन D2 और D3, ये तो हो गया टेस्ट के बारे में। अब जब हम विटामिन डी का ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए किसी का विटामिन डी जो है कम है और उसको हम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, तो हमें कौन सा विटामिन देना चाहिए, विटामिन D2 या विटामिन D3, दोनों जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लगभग बराबर सक्षम हैं। आप विटामिन D2 दीजिए या विटामिन D3 दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ जो गुर्दे के मरीज होते हैं, जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर विटामिन D3 देना आवश्यक है। अब समझने की बात यह है कि विटामिन D2 क्या होता है और विटामिन D3 क्या होता है। एक्चुअली में विटामिन जब बॉडी में हमारी बॉडी में बनता है तो वो सन एक्सपोजर की वजह से बनता है। जब हमारी स्किन जो है उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और सनलाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है स्किन के अंदर उसको कन्वर्ट करती हैं विटामिन D के अंदर। पर ये विटामिन D एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D नहीं होता। ये विटामिन D जब लिवर के अंदर पहुंचता है तो इसका 25 हाइड्रोक्सीलेशन होता है जिसको बोलते हैं विटामिन D2, यानी कि स्किन से बन करके विटामिन लिवर में पहुंचता है जहां पर विटामिन D2 बनता है। और ये विटामिन D2 बॉडी से लिवर से पहुंचता है किडनी के अंदर जहां पर इसका दूसरा हाइड्रोक्सीलेशन होता है और उसके बाद बनता है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3। ये जो फॉर्म है ये विटामिन एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की और ये ही विटामिन बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प कर सकता है या फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को हेल्प कर सकता है और यही एक्टिव फॉर्म है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस विटामिन D3 की हाफ लाइफ बहुत कम होती है। विटामिन D2 की हाफ लाइफ 15 दिन होती है जबकि विटामिन D3 की हाफ लाइफ कुल 15 घंटे होती है। अब रही बात विटामिन D2 की और विटामिन D3 की, हम समझते हैं कि इसके द्वारा आपकी जो विटामिन D2 और विटामिन D3 के बारे में धारणा है वो पूरी तरह ठीक हुई होगी और आप अपने मरीजों का सही से इलाज कर पाएंगे। धन्यवाद।